नमस्कार, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। हाथरस के कस्बा हाथरस जंक्शन के प्राचीन जनबलेश्वर मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की कीमत के पीतल के घंटों को चोरी कर ली। सुबह श्रद्धालुओं को चोरी हो जाने की खबर मिली तो दर्जनों लोग एकत्रित हो गए और चोरी की घटना से आक्रोश जताया। पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन भक्तों को दिया है। आपको बता दें कि यह सनसनीखेज चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने शहर के बीचों बीच दिया। लोगों के अनुसार हाथरस जंक्शन कस्बे से सटे प्राचीन जंगलेश्वर बगीची पर शिवजी महाराज का मंदिर है, जहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा हजारों रुपए के पीतल के घंटे लटका रखे हैं। देर रात चोरों ने भगवान के घर को ही अपना निशाना बना लिया और वहां से हजारों रुपए के पीतल के घंटों को चोरी कर फरार हो गए। दिन निकलने पर भगवान के घर में चोरी की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उनमें आक्रोश छा गया। भगवान के घर में चोरी हो जाने के बाद श्रद्धालु पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान लापरवाही बरता रही हैं। पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाते हुए चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। इस चोरी की घटना को पुलिस मामूली घटना बता रही है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। क्या नाम है वकील साहब आपका? लेखपाल सिंह। आज जगलेश्वर मंदिर पर आप आए हैं, क्या घटना हो गई थी? यहाँ घंटे चोरी हो गए रात रात्रि को। कितने घंटे थे? घंटा थे कहीं 7-8। कितना वजन था 7-8 घंटों में? 7-8 घंटों में वेट होगा करीब 60-70 किलो। 70 किलो कम से कम। कितनी कीमत होगी इनकी घंटों की? अब ये तो अनुमानित कीमत 60-70 हजार रुपये तो मानी नहीं है। लाखों रुपए की कम से कम घंटे होंगे? लाखों रुपए मान लीजिए, समथिंग लाखों रुपए के घंटे थे। तो आपको कब पता चला मंदिर से घंटे चोरी हो गए? बाबा रात को, बाबा जब 3 बजे जागे हैं, बाबा ने देखा, उठ के बाबा ने फिर सबको बताया, मोहल्ले पड़ोस में श्रद्धालुओं को बताया बाबा ने कि ऐसे घंटे चोरी हो गए मंदिर से। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी है? जी। पुलिस आई है? पुलिस आ चुकी है।